खबरें हैं कि गुजरात के वडोदरा में बुधवार को हुई भारी बारिश के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं 14 घंटे में करीब 18 इंच बारिश दर्ज की गई। हालात यह है कि सड़कों पर मगरमच्छ घूमते दिखाई दिए हैं और वहीं जल भराव के बाद लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वहीं राजस्तंभ सोसाइटी में सड़क पर मगरमच्छ लोगों के घर के तरफ जाते दिख रहे हैं, जैसा कि आप यहां पर तस्वीरों में देख ही सकते हो। वह पास के खड़े कुत्ते को भी आक्रमण करता हुआ दिखा है। सोसाइटी में भय का माहौल बना हुआ है। वडोदरा के जिला कलेक्टर ने गुरुवार को सभी सरकारी, निजी और वडोदरा नगर निगम के स्कूलों में अवकाश के आदेश दिए हैं। और वहीं वडोदरा में हुई भारी बारिश से काफी मुसीबत बढ़ रही है। जिलों में पानी ओवरफ्लो हो रहा है। विश्वामित्र नदी भी 23 फुट पर बह रही है। लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। बारिश को देखते हुए वडोदरा एयरपोर्ट को 1 अगस्त सुबह 9 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया। और वहीं आलम यह है कि भारी बारिश के बाद लोग दफ्तरों में ही फंस गए और घर पहुँचने में भारी बारिश का सामना करना पड़ रहा है। पानी से होते हुए उन्हें मुश्किलों से घर वापस आना पड़ा। बुधवार की एनडीआरएफ की टीम ने फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला।